हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सात्विक भोजन चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक स्ट्रीट फूड जिसका नाम है पाव भाजी। तो अगर आपको इसको देख के आपके मुंह पे पानी आ रहा है, चलिए देखते हैं फटाफट इसकी रेसिपी। दोस्तों, आपको सात्विक भोजन की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल बटन को दबा दीजिए। तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं गैस ऑन कर ली हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर डाल दी हूँ। अब हम सारी सब्जियों को डाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ग्रीन मटर, गाजर, गोभी, आलू, ये सारे सब्जी को धो के रेडी करके रखी हूँ। अब हम एक एक करके सारे सब्जियों को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले मैं डाल रही हूँ आलू। अब मैं डाल रही हूँ गोभी, गाजर, ग्रीन मटर, डालेंगे हम थोड़ी सी पानी कुक होने के लिए। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही पानी डालें। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिला लें इन सारी चीज़ों को और लिड लगा के हमें इसको कुक कर लेना है 3 सीटी होने तक। तो हम इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे 3 सीटी होने तक। जब तक सीटी का प्रेशर नहीं निकलता है हम इसको नहीं खोलेंगे। तो हम मैं इसको चेक कर रहे हैं 3 सीटी के बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब्जी मेरा अच्छे से कुक हो गया है। तब अब हम मैशर के मदद से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप इसको मैश कर लीजिए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए सारी यमी रेसिपीज लेके आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें यमी यमी रेसिपीज देखने के लिए और उसको घर पे ट्राई करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उस पर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून की बटर, क्योंकि बटर मैं पहले से ऐड करती हूँ तो बटर इमीडिएटली बर्न हो जाता। पहले ऑयल ऐड करें, उसके बाद डालें बटर। उसके साथ मैं अभी डाली हूँ जीरा। एक बार जीरा थोड़ी सी क्रैकल होने लगे, इन सारी चीज़ों को मिला लें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी। यहाँ पे मैंने एक एक करके एक एक सब्जी डालना है। मैंने पहले यहाँ पे डाल दिया है कटा हुआ प्याज, फाइनली चॉप डालें इसको। बस 2 मिनट इसको सॉटे करने के बाद मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मिला लें इन सारी चीज़ों को अच्छे से। अब हम इसको 5 मिनट कुक कर लेना है। जैसे कि आप प्याज एंड जो अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाले हैं उसका जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाएगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया है स्लिट किया हुआ ग्रीन चिल्ली। इसको मुझे थोड़ा सा तीखा ही पसंद है तो मैंने यहाँ पर 4 ऑलमोस्ट ग्रीन चिल्ली स्लिट किया हुआ डाल दी हूँ और इसको मैं लिड लगा के थोड़ी देर कुक कर ली हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम जो मैंने पहले से कट करके रखी थी। अब इसको अच्छे से मिला लें और इसको लिड लगा के भी हम कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, कैप्सिकम अच्छे से कुक हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं डाल रही हूँ 3 कटा हुआ टमाटर फाइनली चॉप। मिला लें इसको अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी चाट मसाला। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। मिला लें इन सारी चीज़ों को। तो 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे सब्जी अच्छे से गल गए हैं। जो हम कट किया हुआ टमाटो एंड कैप्सिकम डाले थे वो अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैश किया हुआ सारा सब्जी हम कुक करके रखे थे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो
लगा लें इन सारी चीज़ों को अच्छे से। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो इसमें मैं थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके आप देख लीजिए आपको कौन सी कंसिस्टेंसी में चाहिए। मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए था तो मैं उसके हिसाब से ही पानी ऐड की हूँ। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर कुक कर ली हूँ। अब मैं स्क्वीज करके हाफ लेमन इसमें ऐड कर ली हूँ और कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें डाल दी हूँ। मिला लें इन सारी चीज़ों को अच्छे से। अब हम सेकेंगे पाव। यहाँ पे मैंने तवे पे ले ली हूँ बटर, इसमें डालें थोड़ी सी चिली पाउडर, डालें इसको अच्छे से। यहाँ पे गैस फ्लेम को सिम पे रखें नहीं तो बटर जल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया है। गैस फ्लेम को मीडियम पे नहीं रखना है, सिम पे रखें और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से। दो टेबलस्पून की सब्जी जो मैंने पहले से कुक करके रखी थी। अब बस पाव को हम डाल के जो लाड़ी पाव रहता है पैकेट में मिलता है मार्केट में उसको ले लें और उसको बीच में स्प्लिट कर लें। स्प्लिट करने के बाद इसको यहाँ पे डाल के अच्छे से सेक लेना है हमें। एक साइड थोड़ा सा सेकने के बाद तो उसको पलट लें और उसका दोनों साइड इसी तरीके से इसको सेक लीजिए। सेक के रेडी है, बस इसको ट्रांसफर कर ले प्लेट पे। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जी हम पहले से कुक करके रखे थे वो बन के रेडी है। इसको निकाल ले प्लेट पे गर्मा गर्म। यहाँ पे हमारा पाव भाजी यमी यमी पाव भाजी बन के रेडी है। इसको देख के आपके मुंह पे जरूर ही पानी आ रहा है दोस्तों। और इसको आप सर्व करें थोड़ी सी धनिया पत्ते एंड कटा हुआ ऑनियन के साथ। अगर आपको थोड़ी सी और खटास चाहिए आप इसको थोड़ी सी लेमन जूस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ पाव भाजी अच्छे से इस यहाँ पे बन गया है, बस रेडी टू ईट है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।